हम बात करेंगे एरर की ज़रा समझने की कोशिश करिए <coughs> आपके पिताजी सेब ले करके आए उन्होंने कहा बेटा फाइव के जी सेब हम ले करके आए दूसरे दिन उन्होंने कहा फाइव पॉइंट ज़ीरो के जी सेब ले के आए एक बार कहा फाइव पॉइंट जीरो ज़ीरो ले कर आए फ़ाइव पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो लेकर के आए क्या वो रोज़ जो है सेब ले के आए हैं इनकी मात्रा एक ही है कि अलग अलग है एक ही है ना बस यही पर गड़बड़ है ठीक है भाई देखिए जो फाइव के जी मतलब होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से वो नापा गया जिसने वो सेब नापा वो पाँच के जी नाप सकता था पाँच के बाद वो क्या नापेगा छः पाँच के बाद थोड़ा सा ज्यादा है वो नहीं नाप सकता ना क्योंकि रीडिंग पाँच बाईट क्या आएगी छः मतलब अगर फाइव पॉइंट नाइन तक भी वो नापता है तो वो मशीन बताएगी नहीं बताएगी जिस मशीन से वो सेब तोलवा के लेके आए हैं वो सिर्फ पांच किलो नापती थी और इसके बाद क्या नापती थी वो छः किलो, किलो नापती थी अगर फाइव पॉइंट नाइन 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 के जी भी वो है तो मशीन छः किलो नहीं बताएगी पांच ही बताएगी ना तो बढ़िया मशीन है और उसके बाद क्या बताएगी यानी कि गलती होने के चांसेस कितने हैं इसमें एक किलो के पांच के बाद छ किलो की उसमें गलती हो सकती है गलती को कहा जाता है टॉलरेंस हो सकती है एरर हो सकती है इसी को एरर कहते हैं ठीक है ये जो मशीन नाप रहे ना ये फाइव फाइव यानी ये क्या नाप सकती है फाइव भी नाप सकती है फाइव भी नाप ना कहिए तोल सकती है ये 5.3 भी तोल सकती है यानी 5.1 से लेकर के 5.2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती है क्या 5.11 भी होती है तो यानी कि ये 5.1 से 5.2 के बीच में काम करेगी यानी कितनी गलती कर सकती है पॉइंट वन के जी ये मशीन दो डिजिट तक नापती है यानी 5.01, 5.02, 5.03, यानी गलती कितनी है और इसमें गलती कितनी है पॉइंट जीरो जीरो वन इसी को एरर कहते हैं समझ में ये बात नहीं आई है यानी ये मशीन की फॉल्ट है ना इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट है ठीक है तो इसी को एरर कहते हैं तो एरर का मतलब होता है कि हम किसी भी मेजरमेंट को जब कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा गलती होने के जो चांसेस होते हैं उसको एरर कहा जाता है तो अगर हमको कहा जाए कि एरर की डेफिनेशन क्या होगी तो सिंपली लीजिए द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एरर मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एरर मतलब मेजरमेंट में जो अनसर्टेनटी है अनसर्टेन है कि कहीं ना कहीं गलती होने और गलती होगी होगी ठीक है अब गलती कितने प्रकार की हो सकती है? अच्छा एक मिनट जैसे किसी दुकान पे आप गए आपने कहा दो किलो चीनी दे दो ठीक है दुकानदार के पास दो किलो का बाट था नहीं उसका नौकर काम कर रहा था उसने क्या किया पहली बार जब तोला चीनी तो एक किलो तोला और उसमें सौ ग्राम ज़्यादा दे दिया आपको एक किलो में सौ ग्राम ज्यादा दे दिया दोबारा जो एक किलो तोला उसमें सौ ग्राम कम तोल दिया कुल कितनी एरर है उसके पास गलती कितनी है कितनी एरर है उसने दो बार में तौल की गलती कितनी की है आपको तो दो किलो मिल गई ना चीनी आपकी चीनी तो कम थी नहीं तो क्या गलती नहीं की उसने अब देखो अब आप कहेंगे भाई गलती तो नहीं हुई जब वो सौ ग्राम ज़्यादा दे रहा होगा तो तो दुकानदार गरी आएगा उसको नाराय कहीं का सूर दिखाई नहीं पड़ता अंधा कहीं का वैसा फ्री आता है क्या जब सौ ग्राम तोल रहा होगा कम क्योंकि तो जब सौ ग्राम ज़्यादा तोला तब तो तुम बोलोगे नहीं हा बेटा आ गया सौ ग्राम और जब सौ ग्राम कम तोल रहा होगा तो दुकानदार नहीं बोलेगा हाँ सौ ग्राम कम है तुम चिल्लाओगे अभी अंधा है क्या देखा मशीन क्या बता रही है यानी गाली तो बेचारे ने दो बार खाई वो गलती आप करो की नहीं गलती कभी निगेटिव नहीं होती तो एरर कभी निगेटिव नहीं होती एरर अगर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी मतलब तो दोनों बार की एरर को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा माइनस नहीं कर सकते समझ में आई बात नहीं आई ठीक है अब ये ना करिए खटपट अब एरर दो प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है बहुत टेक्निकल टॉपिक तो नहीं हम कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक टॉपिक है ठीक है, हाई कुछ नहीं गलती है तो एरर ये एरर हमने लिख दिया ठीक है एरर दो तरीके की होती है एक एरर होती है सिस्टमैटिक एरर, क्या कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर सिस्टमेटिक एरर स्पेलिंग सही है एस वाई एस टी ई होता है, अंग्रेजी है थोड़ा बहुत होता है सिस्टमेटिक एरर नाम से लग रहा है जिसमें सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए यानी कि इट इज़ ड्यू टू सिस्टम सिस्टम का मतलब क्या होता है देखिए कोई चीज़ आपको नापनी है नापनी का मतलब दुकानदार वाला नापने वाली बात नहीं कर रहे हैं हम आपको किसी तार का रेडियस नापना है कुछ भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ भी तो आप कोई चीज़ मेजर ही करते हो तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है एक तो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है जिस मशीन से आप मेजरमेंट कर रहे हो अब मान लिया आपने एक स्केल लिया और स्केल से कोई चीज़ की लंबाई ना नाप रहे हो आपने स्केल से किसी चीज़ की लंबाई नापी ऐसे ये स्केल है और आपने ऐसे फर्श पे खड़े की और अपने मेज़ की हाइट नाप रहे थे आप तो यहाँ पर एक जीरो पॉइंट होता है स्केल में फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे वन ऐसे ऐसे होता है अच्छा ये हो सकता है कि स्केल बार बार यूज करके यहाँ से इतनी घिस गई हो नहीं स्केल में ये वाला जीरो पॉइंट हो ही ना ठीक है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापा है स्केल ने ठीक है मतलब एक सेंटीमीटर और दो सेंटीमीटर और बीच में दस मिलीमीटर इसमें है तो स्केल ने यहाँ से यहाँ नापा आपने कहा ये एक सेंटीमीटर लंबाई क्या सही में एक सेंटीमीटर थी उसकी ज़्यादा थी कम थी कम थी ना तो आप क्या करेंगे जितनी कम थी उसको क्या कर दोगे माइनस करना पड़ेगा ना भाई आप तो ये मान के चल रहे हो ना कि जीरो से लेकर के टू तक आपने नापा एक सेंटीमीटर लेकिन उसमें एक मिलीमीटर तो घिसी हुई थी तो आपको एक मिलीमीटर माइनस करना पड़ेगा ना तो एक्चुअली में तो नाइन ये टेन मिलीमीटर होता है ना तो आपने क्या कहा कि वो उसके वो जो आप चीज़ नाप रहे हो उसकी लंबाई कितनी आप बताओगे आप बताओगे कितनी टेन एक मिलीमीटर तो एक्चुअली इसमें कितनी है माइनस किया ना तो एक्चुअली में तो नाइन मिलीमीटर है क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो जीरो के बाद में है यानी इसमें निगेटिव एरर है एरर है कि नहीं है तो ये किसकी वजह से है इंस्ट्रूमेंट की वजह से सिस्टम की वजह से ठीक है ये भी तो हो सकता है जब आप इसको नापते हो तो ये आपने नापा ये स्केल आपकी होती है यहाँ वन जीरो होता है यहाँ अब मैंने वन लिख दिया जीरो लिख दो यहाँ वन लिख दो यहाँ जीरो होता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यहाँ वन होता है ठीक है ये लंबाई भी तो स्केल में होती है तो आप तो जब अगर आप जमीन पे रख करके नाप रहे हो तो आपका जो जमीन पे जो ए, स्केल का पार्ट ये आएगा ना ये एक्स्ट्रा नहीं दिखाएगा एक्स्ट्रा आपको माइनस करना पड़ेगा ना तो यानी ये एरर किसकी है तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर तो एक्चुअली में सिस्टमेटिक एरर का पहला पार्ट क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी आप कहेंगे सिस्टमेटिक एरर इज द एरर इन विच सिस्टम इज इन्वॉल्व लिख लो थोड़ी बहुत लिखना चाहो सिस्टमेटिक एरर इज द एरर इन विच इंस्ट्रूमेंट इज इन्वॉल्व जिसमें इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है अब कैसे होता है देखो अलग अलग डेफिनेशन टीचर अलग तरीके से बताएगा वो ठीक है बताएगा वही उसका बताने का तरीका होता है तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है ठीक है अब कैसे होती समझ में आ गई बात अच्छा दूसरा आप प्रैक्टिकल कर रहे हो आपको नापने ही नहीं आता वर्णि के लिए आपको दिया गया आप उसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके नापने में गलती हो सकती है मेजरमेंट मतलब आप नहीं उससे इसके नाप पा रहे हो तो ये इन परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंट टेक्निक तो दूसरी एक एक्सपेरिमेंट टेक्निक की वजह से एरर हो सकती है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टेक्निक की स्पेलिंग क्या होती है टी ई सी एच एन आई क्यू क्यू यू नहीं ये हमको आती है जान के तफरी कर रहे हैं नहीं गलत भी हो सकता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपको नहीं आती कुछ टेक्निक गड़बड़ा है जैसे आप मान लिया किसी लेंस का आप आ, फोकल लेंस निकाल रहे हो तो उसमें एक ऑप्टिकल बेंच होती है उसमें किया जाता है तो ऑप्टिकल बेंच में कुछ होता है ना कि भाई इसको ऐसे रखोगे ऐसे रखोगे ठीक है भाई मान लिया लेंस आपने ये दो लेंस लिखे लिए आपने ऑप्टिकल बेंच पे और आप लेंस के बीच की दूरी ले रहे हो तो दूरी तो आप ये ले रहे हो और दूरी कहाँ से ली जाती है सेंटर से ली जाती है तो गलती आप कर रहे हो ना तो ये किसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल मालूम नहीं है कैसे किया जाता है तो ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें कि एक सिस्टम इन्वॉल्व है यानी एक्सपेरिमेंट करने वाला इन्वॉल्व है ठीक है तीसरा होता है पर्सनल एरर पर्सनल एरर पर्सनल एरर क्या होता है रीडिंग लेते वक्त आप गलती कर रहे हो कैसे देखिए ये एक स्केल है आपने कोई चीज़ की लंबाई नापी ठीक है अब वो मान लिया ये फोर है ये ये माना फोर पॉइंट वन है ये फोर पॉइंट वन तक वो चीज़ आई ठीक है और इसके पहले फोर पॉइंट फोर हो जाएगा इसके बाद में फोर पॉइंट टू हो जाएगा ठीक है अब बिल्कुल सीध में आपने देखा तो आप क्या देखेंगे उसकी लंबाई कितनी आ रही है 4.1 आ रही है लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक आदमी जो सेंटर पे होता है जो प्रैक्टिकल कर रहा होता है दो तीन झांक रहे होते हैं वही देखेंगे वे रीडिंग क्या आ रही ऐसे देखेंगे ना तो अगर आप यहाँ से कहीं से देख रहे हो तो आपको तो ऐसे दिखाई पड़ेगा ना वो चीज़ तो आपको क्या लगेगा उसकी लंबाई कितनी है और आप इधर से कहीं देख रहे हो तो आपको ऐसे कहीं दिखाई पड़ेगा लाइट आएगी ना आपको भाई कोई चीज़ जब आपकी आँख पर लाइट गिरेगी तो लाइट ऐसे आके आपकी आँख पर गिरी तो आपको क्या लगेगा गड़बड़ है ना तो आप रीडिंग हो गलती कर रहे हो तो ये आपकी कैसी एरर है ये पर्सनल एरर है ठीक है तो ये दूसरी एरर होगी अगर आगे पर्सनल एरर तो ये आपकी कुछ एरर्स होती हैं ठीक है थीके? एक इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर में ड्यू टू परफेक्शन होता है प्रैक्टिकल में ठीक है नोट करिए इसको अब देखिए ये आपको मालूम है ना कि इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है yes, सही कर लो उसको ये मालूम है आप प्रेक्टिकल टेक्निक में गड़बड़ कर रहे हो सही कर लो इसको भाई टेक्निक में क्या गड़बड़ कर रहे हो कि टू पाई रूट एल वाई जी होता है yes, टाइम पीरियड निकालने के लिए yes, तो आप क्या करते हो एक सिंपल पेंडुलम में आप एक बॉब लटकाते हो और ये चलता है ऐसे ऐसे तो चलने में क्या होता है जब ये कहा ये गया था कि जैसे ये जब चलेगा तो ये आपकी जो ये जो एंगल होना चाहिए बहुत स्मॉल होना चाहिए ये थीटा बहुत 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 स्मॉल इन पाँच से छः सात छः सात डिग्री होना चाहिए लेकिन आप ज़्यादा चौड़ा कर देते हो क्यों क्योंकि इसमें ये एंगल नाइन्टी डिग्री मान करके थीटा निकाला जाता है साइन थीटा परपेंडिकुलर पर पेंडिकलोपानपन्यू से निकालते हैं थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए लेकिन आप प्रेक्टिकल करते हो तो क्या करते हो आप पेंडम लेते हो ऐसे ऐसे चलाते हो ये चला जा रहा है तो आप जान गए ना गड़बड़ कर रहे हो उसको रिमूव कर दो कम एंगल ले लो आपको मालूम है कि आप एरर क्या कर रहे हो रीडिंग लेते हो दिक्कत कर रहे हो तो आप रिमूव कर दो यानी कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड इसको रिमूव किया जा सकता है नहीं समझे यानी सिस्टमैटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है अच्छा इसमें एक एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज भी है ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉज सम एक्सटर्नल कॉज वो एक्सटर्नल कॉज भी आप रिमूव कर सकते हैं माने आपने टाइम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम का हवा बहुत तेज चल रही है आप जानते हैं हवा की वजह से दिक्कत कर रहा है ना तो आप ऐसी जगह करो जहाँ हवा ना चल रही हो बंद कमरे में करो ठीक है तो किए आपके अच्छा स्केल में आपने देखा था कि कहीं पर स्केल कटी हुई थी कहीं पर फटी हुई थी कहीं पर लंबी ज़्यादा थी तो यानी कि ये दोनों ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है मतलब आपकी रीडिंग ज्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है तो ये आपके हो गए कौन से एरर सिस्टमेटिक एरर इसको कहते हैं नहीं एरर लेते पॉजिटिव है लेकिन अब आप स्केल की लंबाई माले एक्स्ट्रा करो तो माइनस करोगे ना वहां पर उसकी वैल्यू वहां पर तो उसको माइनस करना पड़ेगा दूसरी होती है रैंडम एरर रैंडम रेंडम एरर का जो कॉज है कॉज अनोन अनोन कॉज होता है अनोन कॉज होता है इसका जो कारण है वो अननोन है हमको मालूम ही नहीं है जब मालूम नहीं काम ही खत्म हो गया ठीक है अब अनोन कॉज का मतलब समझ सकते हो मान लिया आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया आपने एक तार का रजिस्टेंस निकाला ठीक है अब आपने कहा रजिस्टेंस इसका टू ओम आया आपके सिस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया बोले टू नहीं भैया तो टू पॉइंट वन आ रहा था पापा एक्सपेरिमेंट जुटे रहे हैं बोले वन पॉइंट नाइन आ रहा था तार सेम है जगह सेम है तीनों लोग अलग अलग रीडिंग कैसे दे रहे हैं कोई एरर है उसमें तो वो कैसी एरर है अननोन है और रेंडम एरर है हाँ अब एरर का कारण क्या है हो सकता है आपका कितना रेजिस्टेंस आ रहा था टू और दीदी का वन पॉइंट नाइन पापा का टू पॉइंट वन आ रहा था हो सकता है पापा दोपहर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा था तार गर्म था लेकिन वो आप जानते नहीं थे ना अपने आप गर्म हो गया आप थोड़े गर्म किए हो कि गर्मी कम कर दोगे आपको नहीं मालूम था आपने सुबह सुबह किया था टेम्परेचर थोड़ा कम था एटमॉस्फेयर का दीदी ने रात में किया था और टेम्परेचर कम था तो ये कुछ ऐसे एरर हैं जो रेंडम एरर हैं ये हम नहीं जानते होता क्या है कि आप आपको रजिस्टेंस वायर का निकालना है और मान लेते हैं इसकी रजिस्टेंस टेन ओम है मान लेते हैं ये हमको मालूम नहीं ना भाई हम अगर आपको हमको मालूम ही हो जाए कि टेन ओम रजिस्टेंस है तो काहे एक का एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत है टेन ओम लिख दो तो हमने इसको ना पा एरर की वजह से हो सकता है हमारा एक बार टेन पॉइंट वन निकले हो सकता है एक बार नाइन पॉइंट नाइन निकले एक बार टेन पॉइंट टू निकले एक बार नाइन पॉइंट एट निकले एक बार वन ओम थोड़े निकलेगा लगभग इसी के आसपास निकलेगा ना तो अगर हम एरर निकालेंगे तो बताइए एरर हो रही कि अगर एवरेज निकालोगे तो देखिए इन इन दोनों को देखो तो प्लस माइनस हो गया इसको देखो प्लस माइनस खत्म हो गया ना तो आपको कितने ओम निकलेगा एवरेज अगर एवरेज नहीं आप निकालेंगे एवरेज कितना निकले एवरेज कैसे एरर छोड़िए अगर आप एवरेज निकालोगे तो टेनी ओम तो निकलेगा ना तो हम एक्सपेरिमेंट इस इस एरर को भाई हमने क्या कहा ये एरर रिमूव की जा सकती है और ये कहा गया कैन नॉट रिमूव ये रिमूव नहीं की जा सकती कैन नॉट रिमूव भाई रिमूव तो उसको किया जाता है ना जिसका रीजन हमको मालूम हो जिसका रीजन ही हमको नहीं मालूम है तो रिमूव वो नहीं किया जा सकता तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम अपने एक्सपेरिमेंट को कई बार करते हैं छः सात रीडिंग ले लेते हैं पाँच छः रीडिंग ले लेते ले हैं ले ये मान के चलते हैं कि कभी हो सकता है वैल्यू स्लाइटली ज़्यादा आवे कभी स्लाइटली कम आवे कभी एग्जैक्ट टेन आ सकता है ठीक है तो जब इसका एवरेज निकालेंगे हम तो आपको लगभग लगभग वो वैल्यू उतनी ही मिल जाएगी जितनी वैल्यू मिलनी होगी ठीक है तो अगर आपसे ये एग्जामिनर पूछता है आपके यहाँ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में, में एग्जामिनर नहीं आता है लेकिन आईएससी बोर्ड का प्रैक्टिकल टफ होता है उसका रीज़न एक पेपर आता है अच्छी बात है कि पेपर में सर्किट बना होता है आप सर्किट को देख के बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं रीडिंग पूरी कर लेंगे केवल एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो केवल इस काम के लिए बुलाया जाता है कि आपकी रीडिंग देखेगा जो आप कापी में लिख रहे हो पहली रीडिंग उसमें सही है कि नहीं है अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल दिक्कत है कहीं पर तो वो देख लेगा कहीं कुछ कुछ दिक्कत नहीं है और कोई मतलब नहीं वाई वाए का कोई सिस्टम होता है होता है लेकिन वो कोई मतलब नहीं होता है फिर एक पेपर होता है उसको आपको सॉल्व करके बोर्ड को भेजना होता है बोर्ड उसको चेक कराता है ठीक सिस्टम भी है तो वो अगर कह देता बताइए इतनी रीडिंग लेने की क्या ज़रूरत है भाई तो आप कहेंगे एक्चुअली में इसमें कुछ अननोन एरर्स आने की संभावनाएं हैं तो जब हम रीडिंग ज़्यादा लेते हैं तो ऑन एवरेज जो वैल्यू निकलती है वो हम मान लेते हैं दैट इज़ द ट्रू वैल्यू तो समझ में आ गया तो ये एरर दो तरीके को हो गई एक सिस्टमेटिक एरर एक होती है रेंडम एरर सिस्टमेटिक एरर के कॉज मालूम होते हैं कॉज नोन है इसके यानी इसके कॉज क्या है इसके कॉज नोन है अब जब नोन है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं इसके कॉज अननोन है इसलिए इसको रिमूव नहीं कर सकते तो हम इसी एरर के बारे में बात करने जा रहे हैं मेन बात इसकी भी करेंगे लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ये मान चलते हैं कि हमारा जो कॉज है वो भाई अगर हमको मालूम है कॉज नोन है तो हम रिमूव नहीं कर लेंगे हमने वर्णी कैलिपर्स देखा उसका जो मैंने आपको वर्णिक पर दे दिया गया अब वर्नियर में एक मेन स्किल होता है एक वर्ण स्किल होता है देखा है कभी तो वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो आपस में बराबर होना चाहिए अगर नहीं है बराबर पे तो हमको मालूम है गड़बड़ी है उसमें तो उसको हम रिमूव कर लेंगे सही कर लेंगे ठीक है तो इसे नोट करें आप अब जैसे टाइम पीरियड की हम बात करें थे टू पाई रूट एल बाई जी तो आप टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हो आप घड़ी एक क्लॉक रखते हो ना तो जैसे ही मान लिया आपने कहा भाई ट्वेंटी ऑसिलेशन हो जाएंगे घड़ी आप दबा देंगे अब ट्वेंटी का मतलब जैसे ही वो मीन से निकले ट्वेंटी हुआ फट से आप क्लाक को दबा दीजिए हो सकता क्लाक दबाने में एक सेकेंड आप देर कर दें होता गलती ना हो जाए तो जल्दी ही दबा दें तो कभी क्या होगा अगर आप दस बार पाँच बार सात बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कभी आपने क्लाक को क्या किया होगा जल्दी दबा दिया होगा कभी क्लाक को थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ रहा होगा ना तो उसी वो आपकी जो है वो एरर है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे वो वो नॉन एरर तो है आपका ये तो भाई नॉन एरर है नॉन एरर है लेकिन उसको आप सही नहीं कर सकते ना वो तो आप ही को करना गलती कहीं कहीं हो जाती है तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं जिससे कि एक बार ज्यादा एक बार कम ऑन एवरेज सही वैल्यू आ जाए ठीक है तो ये आपका देखिए यहां पर एक वर्ड आता है लीस्ट काउंट एंड लीस्ट काउंट एरर क्या लिख रहा हूँ आज इंग्लिश गड़बड़ कर रहा हूं क्या लीस्ट काउंट एंड लीस्ट काउंट एरर लीस्ट काउंट क्या होता है ज़रा समझिएगा आपकी घड़ी है उसमें मिनट का एक मिनट की सुई होती है घंटे की सुई होती है, की सुई होती है सेकंड की सुई होती है कम से कम वो कितना मेजर कर सकती है वन <coughs> सेकंड, तो यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम जितना मेजर कर सकता है वो उसका लिस्ट काउंट कराता है यानी लीस्ट काउंट क्या चीज़ है लिख लीजिए द स्मॉलेस्ट वैल्यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस कार्ड लीस्ट काउंट इस कार्ड लिस्ट काउंट उसको लिस्ट काउंट कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम करें कि भाई वर्नियर कैलीपर्स कम से कम कितना मेजर करता है तो ज़ीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर मेजर करता है जीरो वन करता है वो गेज वो मिलीमीटर होगा इतना मेजर करता है तो ज़ीरो पॉइंट वन मेजर करेगा फिर ज़ीरो पॉइंट टू मेजर करेगा क्या ये ज़ीरो पॉइंट वन वन मेजर कर सकता है डैट जीरो पॉइंट टू कर लेगा ना इसका डिफरेंस कितना हुआ जीरो पॉइंट वन नहीं ये तो अलग बात इसकी बात नहीं कर रहा हूँ इसका जीरो पॉइंट वन हुआ ना तो इसका मतलब जीरो पॉइंट वन से डायरेक्ट वो मेजर कितना करेगा जीरो पॉइंट टू यानी कि वो जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर की गलती कर सकता है यानी जिस इंस्ट्रूमेंट की जितना लिस्ट काउंट होता है वो उतना ही एरर कर सकता है एरर निकालने का एक तरीका क्या होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसका जैसे मान लिया उसका लिस्ट काउंट दिया होगा तो हम मान लेंगे वो क्वेश्चन दें ना दें हम जान जाएंगे कि जो लिस्ट काउंट है उतनी ही एरर वहाँ पर हो रही होती है ठीक है अच्छा एरर हो रही हो हमको कैसे मालूम हमने क्या कहा कि भाई हम एरर हो जो हो रही है वो अननोन कॉज है ठीक है और एरर हो रही है पता नहीं वो भी रही हो सकता है जो हम मेजर कर रहे हो ज़्यादा मेजर हो रहा हो कम मेजर हो रहा हो तो हम पाँच छः सात रीडिंग लेकर के आन एवरेज अच्छा अब आप हमेशा ऑड नंबर ऑफ़ क्यों करते हैं क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है एक पॉजिटिव इवेंट करोगे तो जीरो भी आ सकती है वैल्यू इसलिए ऑर्ड ले लेते ले 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 हैं जिससे कि ज़ीरो वैल्यू ना आए हमेशा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑड करते हैं तीन पाँच सात करते हैं उसका रीज़न यही होता है ठीक है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं और ऑन एवरेज जो वैल्यू निकलती है उसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू वैल्यू क्या होती है यानी हमारे एक्सपेरिमेंट की जो एवरेज वैल्यू है उसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू मान लिया हमने कोई चीज मेजर्ड की तो अगर मैं मान लू किफ ए वन ए टू अप टू एन आर मेजर्ड वैल्यू आर मेजर्ड वैल्यू कोई चीज मेजर कर रहे हैं आप आप किसी वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आपने पहली बार रेजिस्टेंस को मेजर किया फिर एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटरेटर सेट किया फिर एक्सपेरिमेंट किया फिर किया फिर किया तो बार बार अलग अलग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू इसका एवरेज हो जा हो, हो जाता है आप सबको प्लस करोगे और अपान एन करोगे तो इसी को हम कहते हैं ट्रू वैल्यू इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लिख देंगे एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द ट्रू वैल्यू तो लिख सकते हैं लिखिए द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू और दिस इज द फार्मूला फॉर द ट्रू वैल्यू मैंने आपको सात आठ एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं हमने कहा वी फाइंड द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाई एनी इंस्ट्रूमेंट दीज आर द हाइट्स तो व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू तो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू सेम होती है ठीक है देखिए देखिये एरर क्या होती है आपने क्या किया कि ए वन ए टू अपू ए एन आर मेजर्ड वैल्यू आर मेजर्ड वैल्यू आपने किसी एक ही चीज की लंबाई या को जो भी नाप रहे हो एक ही चीज की नाप रहे हो ना क्या हर बार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है आप एक्सपेरिमेंट में एरर कलर इसलिए चेंज हो रही है ना तो आप उसके लिए क्या करेंगे इसकी इसका मीन निकालेंगे तो इसका जो मीन वैल्यू होगी अभी लिखिएगा नहीं डेफिनेशन बता रहे हैं इसकी मीन वैल्यू जो होगी जिसको कि आप कहते हो ट्रू वैल्यू तो आपने ट्रू वैल्यू कैसे निकाली इसका एवरेज निकाला और ट्रू वैल्यू आपने कहा क्या है ए बार इसका मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है क्योंकि टेन सेंटीमीटर की चीज आप मां नाप रहे थे वो भी भी हो सकता है, 9 .9 भी हो सकता सकता है है तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एरर तो लिखिए द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल वैल्यू इज कार्ड एरर the difference between the true value and the individual value is called absolute error so, बड़ा लिखा करू। बड़ा लिखा करो बड़ा बड़ा लिखा करिए Is called absolute error. अब मान लिया सपोज a1 a2 up to an are the measured value and true value is a bar ठीक है तो अब अब हमें जो एब्सोल्यूट एरर निकालनी है वो सबकी निकालनी है अगर हम लिखेंगे एब्सल्यूट एरर एब्सल्यूट एरर हुई है किसमें इन ए वन ए वन में एरर कितनी हुई है तो एक्चुअली होना कितना चाहिए थी इसकी वैल्यू होना चाहिए थी जो ट्रू वैल्यू है होना इतनी चाहिए थी ना और आपकी हो गई ए वन तो ये इतनी गलती आपने की ना अगर आपको निकालो एप्सल्यूट एरर इन ए टू ए टू में कितनी गलती हुई है तो ए बार माइनस ए टू इसी प्रकार से ए थ्री में कितनी गलती हुई है ए बार माइनस ए थ्री तो इसी प्रकार से सभी मेजर्ड वैल्यू में आपकी गलती हो रही है तो अगर हम कहें कि ए एन में कितनी हो गई है तो आप लिखेंगे ए बार माइनस ए एन ठीक है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए वन है, है ना इसको डेल्टा ए टू इसको डेल्टा ए थ्री और इसको डेल्टा एन क्या हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी? ये भी हो सकती है, है। हाँ भाई आप हो सकता है ज्यादा मेजर कर गए हो ए बार जा, ए वन ज्यादा है ए बार कम है तो ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है तो नोट करें ये आपकी एब्सल्यूट एरर है नेक्स्ट है मीन एब्सल्यूट एरर और मीन एरर देखिए जब आप मेजर्ड वैल्यू कर रहे थे तो क्या ट्रू वैल्यू के बराबर वैल्यू मिल रही थी अलग अलग मिल रही थी कभी ज़्यादा कभी कम तो कभी जो एरर निकाल रहे थे कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव अगर ऑन एवरेज आप निकालेंगे तो कुछ निगेटिव वैल्यू आएंगी कुछ पॉजिटिव आएंगी ऐड करके जीरो भी आ सकती है जबकि एरर जीरो में गलती तो हर बार कर रहे हो ना तो जीरो तो हो नहीं सकती तो हम क्या करेंगे हम इनका मॉडलेस वैल्यू ले, ले लेंगे मतलब तो निगेटिव को भी हम पॉजिटिव मान लेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे जैसे जीरो ना हो जाए इसी को कहते हैं तो लिखिएगा द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सल्यूट एरर अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल द नहीं यह ना लिखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ द मॉडुलस ऑफ द ऑल एब्सल्यूट एरर अर्थमेटिक मीन ऑफ द मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एब्सल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सल्यूट एरर एक्चुअली जो हम अर्थमेटिक बीन जो लिखते हैं ना वो एवरेज भी होता है तो यानी कि इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा डेल्टा ए बार तो आपने पहली एरर क्या निकाली थी डेल्टा ए वन वो उसका मॉड ले लिया प्लस यानी आप निगेटिव एरर भी करोगे तो आपको मतलब ज़्यादा नापो तो ठुकैया कम नापो तो ठुकैया दोनों गलतियाँ है डेल्टा एन तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे तो ये मीन एरर निकलेगी जाकर के ठीक है तो ये आपकी मीन एब्सल्यूट एरर है ठीक है तो जैसे अगर हमने देखिए हमने जो नापा था तो एक्चुअली में ट्रू वैल्यू क्या थी आपकी निकली थी ना अच्छा ये जो वैल्यू आएगी एवरेज जो निकलेगा वो ट्रू वैल्यू के इर्द गिर्द होगी एरर है ना ये इतनी एरर होगी या तो इतना ज्यादा नाप लिया या तो इतना नाप लिया तो जो आपकी फाइनल वैल्यू निकलेगी फाइनल वैल्यू अगर आपको निकल निकालनी है तो आप कहेंगे देखिए ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सल्यूट एरर मीन एब्सल्यूट एरर मीन एब्सल्यूट एरर मतलब अब आप कहेंगे तो माइनस होती नहीं दिखाना तो पड़ेगा ना ज्यादा नापा के कम नापा ठीक है यानी कि ट्रू वैल्यू आपकी क्या थी ये बार और प्लस माइनस डेल्टा ए बार तो हम मीन निकाल लेंगे पहले मीन निकाल लेंगे वो आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी फिर जो आपने मेजर्ड वैल्यू की है सबसे उसका डिफरेंस निकालेंगे उसका मॉड निकाल के उसका एवरेज निकाल देंगे तो आपकी एरर निकल आएगी ठीक और इसको प्लस माइनस कर देंगे तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आएगी ठीक है देखिए रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जब तो समझने की कोशिश करिए भाई ये मेन है निकालें क्यों हम क्यों निकालें एरर तो निकल आई हमारी हमने आपसे कहा कि भैया सौ किलो चीनी तौल को दे दो आपने क्या किया कि पांच किलो चीनी का एरर कर दिया एरर कर दिया मतलब या तो पांच किलो ज़्यादा या पांच किलो कम अच्छा ये आपसे हमने कहा एक भाई साहब से हमने कहा दस किलो चीनी दे दो इनको और वो भाई साहब कितने किलो का एरर किए हैं एक किलो का बताइए भाई साहब दोनों में एरर किसकी ज़्यादा है तो आपने आप पनिश पन्नीसो करेंगे गलती कौन कर रहा है ज़्यादा कौन कर रहा है पाँच किलो वाला कर रहा देखने में तो अच्छा लग रहा है ये भाई साहब दस किलो में कितनी गलती कर रहे हैं बीस किलो में कितनी करेंगे तीस किलो में चार किलो चालीस में और सौ किलो में तो ये तो अगर सौ किलो इनसे से तो लाते थे तो ससुराल दस किलो की गलती कर देता और वो तो गलती पाँचें किलो की कर रहा है तो देखने में आपको प्रथम दृष्टया कौन गड़बड़ कर रहा है लेकिन एक्चुअली तो गलती बड़ी कौन कर रहा है तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे हम परसेंटेज निकालेंगे हंड्रेड परसेंट में निकाल लेंगे ठीक है तब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे ठीक है तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि भाई एरर गलती तो ठीक देखने में लग रहा है पाँच किलो वाली गलती ज़्यादा कर रहा है या एक क्विंटल में पाँच किलो की गलती कर रहा है ठीक है तो इसमें क्या करते हैं तो लिखिए द रेशियो ऑफ द मीन एप्सल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू द रेशियो ऑफ द मीन एब्सल्यूट एरर मीन एब्सल्यूट एरर मीन एब्सल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर आर ई लिख दें या फ्रैक्शनल एरर एफ ई लेकिन आप ये आर ई एफ ई करके नहीं क्वेश्चन लगाएंगे पूरा लिखेंगे तो मीन एब्सल्यूट को क्या माना डेल्टा ए बार और इसको क्या बना ए बार ये आपका हो गया अगर परसेंटेज रन निकालें परसेंटेज एरर तो क्या करेंगे इसी को आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेजर मिल जाएगी तो समझ आया फ्रैक्शनल एरर निकालने का कारण क्या था गलती कोई ज्यादा कर रहा था लेकिन वो गलती दिख नहीं रही थी बड़े में गलती दिख रही थी ठीक है लेकिन गलती गड़बड़ी को दूसरा कर रहा था तो हमने कहा ठीक है हम परसेंटेज में निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है अब देखो अब मैं क्वेश्चन जब लगाऊंगा तो, तो तो तरीका बताया जाएगा जरा समझने की कोशिश करो एरर निकालेंगे कैसे देखो एरर निकालने के तीन तरीके हैं मतलब ये तो आपकी भाई थ्योरी हो गई न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आपको ये किसी मशीन का लिस्ट काउंट देंगे क्या कहेंगे लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट का मतलब वो मशीन कितने कम से कम मेजर कर सकती है और जितने कम से कम मेजर कर कर सकती है गलती भी वो हम बता दिए रीजन कि अगर 0.1 मेजर कर सकती है इसके बाद 0.2 कर सकती है इसके बाद 0.3 मेजर करेगी तो इसके इसके बीच वो मेजर नहीं कर सकती और इसके इसके, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 0.1 का है इसलिए गलती भी जीरो पॉइंट की करेंगे तो हम ऐसे निकालने की बजाय याद क्या कर लेते हैं कि जो इसका लिस्ट काउंट है उतनी गलती होगी दूसरा तरीका देखिए दूसरा तरीका ऑलरेडी वो आपको एरर दे, दे देंगे गिवन होगा ठीक है तो गिवन है तो कोई बात ही नहीं है तो लिस्ट का से हमसे क्या मतलब है तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको जो वैल्यू दी है डेसिमल के दो प्लेस तक दी है 2.32, 2.45, 2.78, 2.95 कोई मेजर्ड वैल्यू है और कहते हैं इसकी ट्रू वैल्यू निकालो तो सबको ऐड करके अपान वन टू थ्री फोर कर दोगे हो जाएगी ट्रू वैल्यू एरर निकालो एरर कितनी हो रही है ये डेसिमल की कितने प्लेस तक मेजर किया जा रहा है इसका मतलब डेसिमल के दो प्लेस तक मेजर करने का मतलब ये हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के दो प्लेस तक मेजर करता था तभी तो आपने मेजर किया ना अपने आप आइडिया था देख के बता दिया हाँ पॉइंट जीरो वन होगा कहीं से नापा होगा ना आपने तो यानी कि ये मशीन या तो ये नापती है या तो ये नापती है तो गलती कितनी कर रही है पॉइंट जीरो वन तो ये तो तरीका हो गया इसमें तरीका ये है कि, कि डेसिमल के दो प्लेस तक आप नाप रहे हो गलती पॉइंट जीरो वन की होगी एक प्लेस तक पॉइंट वन की करोगे जीरो प्लेस तक तो वन से बार डायरेक्ट वन की गलती होगी अगर आप कहीं से पाँच मीटर नाप रहे हो और छः मीटर नाप रहे हो यानी वो मशीन फाइव पॉइंट जीरो फ़ाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू मेजर नहीं कर सकती तो एक मीटर की गलती होगी समझ में आ गई बात तो ये करिएगा इसके बाद बात करेंगे कि कैसे दो नंबर्स को ऐड करके गलती निकलती है दे गलती दे गलती बहुत सारी गलती निकालेंगे और इन्हीं गलती में गलतियां मत करना ठीक